हेलो दोस्तों, क्या हाल है। माय सेल्फ जय। टेक्नोजोलॉजी पे आप सभी लोगों को स्वागत है। आज का टेक न्यूज होने वाला है बहुत ही मजेदार दोस्तों, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टेक न्यूज अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों लॉकडाउन से। तो लॉकडाउन का 4.0 हो गया है अनवील, जो कल पीएम मोदी जी ने हम लोगों को बोल दिया था, अनवील कर दिया था। बेसिकली दोस्तों लॉकडाउन 3.0 खत्म होने वाला था 17 मई को, और जो लॉकडाउन 4.0 है कल पीएम मोदी ने अनवील कर दिया कि 18 मई से। तो बेसिकली दोस्तों लॉकडाउन 4.0 स्टेट में गवर्नमेंट रूल में चलेगा। तो स्टेट कैसा स्टेप लेता है इसी को मुद्दा नजर रखते हुए दोस्तों पीएम मोदी जी ने लॉकडाउन 4 के बारे में अनवील कर दिया है कल। तो दोस्तों लॉकडाउन 3.0 तो होने वाला है फिलहाल खत्म, तो लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो रहा है। इसी लॉकडाउन के बीच में एक बात कर लेते हैं दोस्तों, आप लोगों को लॉकडाउन में कैसा लग रहा है और आप लोग घर में कैसे दिन बिता रहे हो। तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है और बुरा लग रहा है ना, ऊपर पोल देता हूं दोस्तों, जरूर बताना। अगली खबर आ रहा है दोस्तों रियलमी की तरफ से। तो रियलमी का जो मई 25 वाला इवेंट होगा चाइना में, तो उसी मई 25 वाले इवेंट में रियलमी लॉन्च करेगा अपना 8 न्यू जो डिवाइस है उसको। तो इंक्लूडिंग इसमें रियलमी का TWS एयरबड्स रहेगा, स्मार्टफोन्स रहेंगे, पावर बैंक्स रहेगा, बहुत सारा चीज रियलमी वाले लॉन्च करने वाले। ऑफिशियली ये स्टार्ट कंफर्म हो गया है, और जो गिगबेंच डाटाबेस है और गूगल जो एंड्रॉइड वेबसाइट है उसमें स्पॉटेड हो गया है रियलमी X3, रियलमी X3 सुपर जूम एंड रियलमी का टीवी। तो एंड्रॉइड वेबसाइट में रियलमी का टीवी भी स्पॉटेड हो गया है। इससे पता चलता है कि दोस्तों चाइना में जो लॉन्च होगा उस लॉन्च में ये तीनों डिवाइसेस जरूर रहेंगे दोस्तों, और इंडिया में इस तीनों डिवाइसेस का लॉन्च बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो आशा रखता हूं दोस्तों रियलमी अपने इस तीनों डिवाइस को बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च कर देगा। आप लोग फिलहाल इसके लिए कितना इंटरेस्टेड हो कमेंट्स में हम लोगों को जरूर बताएं। दूसरा खबर भी दोस्तों रियलमी की तरफ से ही आ रहा है। तो रियलमी का जो टीवी का डिटेल पैकेजिंग वाला बॉक्स है उसका कुछ इमेज हो गया है आज लीक। रियलमी X3, रियलमी X3 सुपर जूम और रियलमी एंड्रॉइड टीवी हो गया है फाइनली दोस्तों इंडियन वेबसाइट में स्पॉटेड। तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी इंडिया में ये तीनों डिवाइस रियलमी के लॉन्च इवेंट में देखने के लिए मिल जाए। बात करते हैं अगली खबर की। तो शाओमी से खबर आ रहा है कि शाओमी का जो रेडमी 9 मोबाइल है उसका बैटरी और कुछ स्पेसिफिकेशंस हो गया यहाँ पे लीक FCC सर्टिफिकेशन पे। तो BIS Government.com में भी आप लोगों को ये मोबाइल बहुत ही जल्दी दिखने के लिए मिल जाएगा। रियलमी नार्जो 10 का जो प्रोसेसर था मीडियाटेक हेलियो G80 वाला प्रोसेसर इस मोबाइल में सेम दिखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि रियलमी नार्जो 10 मोबाइल को कड़ी टक्कर देने वाला है रेडमी का जो नोट 9 अपकमिंग मोबाइल है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इसका बैटरी रहेगा 5000 mAh का मैसिव बैटरी। और भी बताया जा रहा है कि Redmi का जो Note 9 मोबाइल होगा वो दोस्तों बेसिकली बजट प्राइस टैग में आएगा। तो आप लोगों को बजट सेगमेंट में Redmi की तरफ से Redmi का Note 9 इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जा सकता है। इंडियास COVID-19 ट्रैकिंग वाला जो ऐप था आरोग्य सेतु, अभी दोस्तों इस महीने में बेसिकली इसका जो यूजर संख्या है वो हो गया है 10 करोड़ पार। ऐप दोस्तों लॉन्च हुआ था बेसिकली 2 अप्रैल को, और 2 अप्रैल में लॉन्च होने के बाद जस्ट 13 डेज में इसका जो यूजर संख्या था वो हो गया था 50 मिलियन, विच मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन द वर्ल्ड इन सच अ शॉर्ट टाइम। शाओमी की तरफ से दोस्तों शाओमी का जो रेडमी का 10X है उसके बारे में ही कल ही आप लोगों को मैंने टेक न्यूज पे बताया था कि वो हो गया एंड्रॉइड गिगबेंच साइट पे लिस्टेड। तो आज दोस्तों बेसिकली गिगबेंच साइट से इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस हो गया है लीक। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं Xiaomi Redmi 10X का क्या क्या स्पेसिफिकेशंस के साथ ये मोबाइल आ रहा है। Xiaomi Redmi 10X आ रहा है 2 वेरिएंट के साथ दोस्तों। आप लोगों को 4GB और 6GB दोनों वेरिएंट इसमें देखने के लिए मिल जा सकता है इंडिया में। और दोस्तों डिस्प्ले रहेगा इसका 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। और कैमरा सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, कैमरा सेक्शन इसका रहेगा 48+8+2+2 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा के साथ ये मोबाइल लॉन्च हो सकता है। और जहां तक बैटरी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, 5020 mAh का बड़ा बैटरी आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जा सकता है। और दोस्तों प्रोसेसर के बारे में जहां तक खबर आ रहा है कि मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक का हीलियो G70 SoC के साथ ये मोबाइल लॉन्च हो सकता है इंडिया में बहुत ही जल्दी। अगली और आज की लास्ट खबर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सैमसंग से खबर आ रहा है कि सैमसंग का जो गैलेक्सी फोल्ड लाइट मोबाइल है उसके ऊपर सैमसंग कर रहा है काम। और दोस्तों इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हम लोगों को पता चला है। तो बेसिकली देख लेते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशंस इस मोबाइल में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो पहले आते हैं प्रोसेसर साइड पे। तो प्रोसेसर इसका आता है आउट ऑफ द बॉक्स स्नैपड्रैगन 865 के साथ, और दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर रहेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि 4G वेरिएंट में आप लोगों को सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड लाइट मोबाइल देखने के लिए मिल जा सकता है इंडिया में। 256 GB स्टोरेज के साथ स्मॉलर डिस्प्ले
लेके आप लोगों को इंडिया में ये मोबाइल लॉन्च होने के लिए बहुत ही जल्दी दिखने को मिल जा सकता है। सो दोस्तों टेक न्यूज होता है यहाँ पे ही खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो मन से एक लाइक कीजिए, वीडियो को कीजिए शेयर, चैनल में नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा गर्मा गर्म कॉन्टेंट हर रोज पहुंच जाए आप लोगों के पास। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में। पिछले बार की वीडियो में तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके।